दिया तुम आ गई दिया। ए मेरे मूर्ख मामा, मुझे एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आए? कहाँ घूम रहे थे तुम? मैं एक अच्छा काम करने गया था, लेकिन मुझे हिंदी पूरी तरह नहीं आती, इसलिए मेरा बैंड बच गया। इतने साल दिल्ली में रह चुके हो और तुम्हें अभी तक हिंदी नहीं आती है? अरे हिंदी बोलना पड़े तो बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इधर सब चाहते हैं कि हम हिंदी में हंसे और हिंदी में रोए। यहाँ के लोग पूरे पागल है दिया। मेरी बात सुनो दिया, जब तुम यहाँ नहीं थी तो इस घर में किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, पता है तुम्हें? मैंने भी कब की है? वो चलता है क्योंकि तुम बचपन से ही ऐसी हो। मैं तेरा मामा हूँ, इसलिए तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब से तुम्हारा मैनेजर, पीए, ड्राइवर, सिक्योरिटी, ये सब मैं ही हूँ। सच में? क्या ये नेपाली सिर्फ क्या क्या ही करते रहता है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं आता क्या? दिया बेटी, क्या वन बाय टू तो ठीक है, 2/6 तो बहुत ज्यादा ही कंजूसी हो रही है। होटल का ओनर देखेगा तो भगा देगा। दिया, लंदन में तुमने क्या किया? मैंने लिवरपूल यूनिवर्सिटी से ह्यूमन साइकोलॉजी का कोर्स किया है, एक साल का कोर्स था। और दिल्ली का क्या हाल है, पिछले साल की कोई खबर? 165 रेप्स एंड 365 सेक्सुअल हैरेसमेंट्स। ऑल दिस पीपल आर साइकोलॉजिकली इफेक्टेड, ब्लडी सैवेजेस। हे राम, हाउ आर यू डूइंग? Ram, you're not getting me an appointment with your minister. Sorry, he's been a little busy, so... Ram, my MD needs to have a detailed discussion about organic farming in India. Please, hey, you need please to help me on this. Don't do that. Please, appointment dila. Maine kaha na mujhe chhuo mat. Hey, aise kyun behave? Hey! Kya hua? Aurat hone ke bawajood aapko sharam nahi aati? Yahan sab baithe hain, dekh rahe hain, baat ka batangar banega. Come on! Dunke! Ram! Hey, bill de. Hey, Ram, suna. Maal hai. Jano. हेलो, जरा रुकिए। एक लड़की को मारने के लिए हाथ उठाया ना आपने, आप उसे मारने वाले थे? आपकी क्या प्रॉब्लम है, जाइए। लेडीज पे हाथ उठाना ये कितना बड़ा गुनाह है जानते हैं ना आप? मुझे क्यों भूल रहे हो? हाँ, मन कर रहा है इसीलिए किसी पे भी हाथ उठाएंगे आप? चलो मुझ पे हाथ उठा के दिखाओ प्लीज। क्या हाथ लगाऊंगी तो ही मारोगे? से थैंक्स। हम कुछ मांगे और कोई फौरन दे दे तो थैंक्स कहते हैं, दैट्स मैनर्स। से थैंक्स। थैंक्स, दैट्स बेटर। दिल्ली महानगर में जंतर मंतर के सामने मेरी दीदी की लाडली बेटी को किसने थप्पड़ मारा रे? किसने मारा रे? उसने कैसे मारा रे? बता कैसे मारा? जिसने तुम्हें मारा, जिसने तुम्हें मारा, उसे उसी तरह मैं भी जाकर मारूंगा। टहल टहल। उसने ऐसा मारा कि तुम भी मेरी तरह बाउंस हुई थी क्या? नहीं। मुझे बताओ फिर तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? मैंने कहा मारा, तुम्ही ने तो मांगा। परवाह नहीं, तुम मेरी दीदी की बेटी हो, डोंट वरी, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं मामा, देखते हैं वो आज आएगा या नहीं। डर के मारे काम छोड़कर नोएडा या गुड़गांव भाग गया होगा। उसे कहीं भी जाने दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो तो यही है, ये तो 9:30 आता है लेकिन ये 8:30 आ गया। आज से उसके पूरे दिन शुरू होने वाले हैं। नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। really important. मैंने सुना तुमने एक लड़की को मारा, अब तेरे सामने एक मर्द खड़ा है, मुझे मार के दिखा। नहीं नहीं, तू मुझे मार के दिखा। तुम किसको ढूंढ रहे हो? मैं मर्द को ढूंढ रहा हूं। जोक मारता है तो फिर मैं कौन हूँ? मेरे हाथ देखे तुमने? मेरी बॉडी देखी है तुमने? मैं बहुत ज्यादा खतरनाक कुत्ता हूँ। तुम सिर्फ मार सकते हो लेकिन मैं काट भी सकता हूँ। क्या मामा मर गया? क्या? क्या? मामा क्या? नेपाली फिर आ गया, मुझे उठा रहे। ये कौन हो रही है और अचानक घर में क्यों घुसे आ रहे हैं? अरे अरे रुको रुको रुको, रुको। क्या चाहिए आप लोगों को? दिल्ली में जो बाहर के लोग रहते हैं उन्हें अलग जगह चाहिए, हमें मंत्री जी को एप्लीकेशन देनी है। दिल्ली में जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए अलग जगह क्यों चाहिए? तो दिल्ली में आते क्यों हो? हम अपनी भाषा को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो अपने आप को बढ़ाओ, फिर अपनी भाषा को बढ़ाओ। मैं आप लोगों से 4 सवाल पूछूंगा, उसका ठीक ठीक से जवाब देना, फिर मैं सबको अंदर भेजूंगा। ये बताइए कि सवाल आप पूछेंगे या हम पूछें? इसे सिर्फ पूछना आता है। तुम्हारी भाषा में सोप का मतलब बताओ। सोप, सोप, बबल्स, बबल्स, सोप। शरीर घिसने की चीज। कॉफी को क्या कहते हैं? ठंडा ठंडा करना। पिंग पिंग पिंग। अरे बीज का पानी, उसे रस भी कह सकते हैं।
तुझे कैसे पता? मैंने रामायण, महाभारत, गीता, वेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में सारी की सारी किताबें पढ़ी है। तुम नहीं समझोगे, ऐसा मोर्चा लेके आने से तुम्हारी भाषा नहीं आगे बढ़ने वाली। पहले खुद अपनी भाषा बोलना सीखो, उसके बाद अपने बच्चों को सिखाओ। चलो जाओ। ए नेपाली, ये सब तुम कैसे जानते हो? फिल्म इंडस्ट्री के नामी राइटर के घर पर मैंने 10 साल वॉचमैन की नौकरी की थी। ये वॉचमैन बहुत ही बड़ा विद्वान है। क्या ये सच में विद्वान है? ये उस राइटर के घर वॉचमैन का काम करते करते वो भाषा भी सीख गया। मुझे बता ये कैसे हो गया रे? एक बात बताओ नेपाली, तुम पिछले 8 सालों से इस घर में काम कर रहे हो, और इन 8 सालों में तुम क्यों सिर्फ क्या क्या कहते रहते थे? इस भाषा के बारे में बताता तो ये लोग मुझे घर का काम करने को बोलते, बाजार जाने के लिए बोलते, कार साफ करने के लिए बोलते, और क्या। अच्छा तो ये था तुम्हारा महामंत्र? इसका मतलब कुछ भी हो जाए तुम वो भाषा नहीं बोलोगे? तुम अच्छी तरह नेपाली बोलते हो ना? अब मुझे नेपाली में बता कि तुम्हारे यहाँ शेर भागने क्यों खाते हैं? अबे रुक, अबे रुक, बता। ट्रेनिंग है, IAS पढ़ने वाले मसूरी में कंटिन्यू करेंगे, IFS पढ़ने वाले और IPS पढ़ने वाले को हैदराबाद जाना होगा। रामसामी है ना? क्यों भाई रामसामी, एक लड़की के साथ अच्छा बिहेव करके उसका मन जीत लिया ना तुमने, फिर जब वो तुम्हें प्यार करने लगी तो तुम कोई बहाना बनाकर आराम से भागना चाहते हो? मेरी बात सुनो, उसके पास 450 करोड़ है और वो सब तुम्हारा हो जाएगा। इज्जत से ये ऑफर एक्सेप्ट करो और मेरी दीदी की बेटी से शादी करके घर जाने की सोचो, नहीं तो तेरी लाश यहाँ से घर जाएगी। तू मिनिस्टर के साले पर हाथ उठाएगा? आ चल देखते हैं, दाल चावल खाने वाले तुम्हें इतनी गर्मी है? तो मैं चिकन मटन खाता हूँ, मुझे कितना गुस्सा आता होगा। मैं मारना शुरू करूँ तो पूरी दुनिया कांपने लगती है। इस जन्म में तू मंत्री नहीं बन सकता है, कम से कम मंत्री का दामाद तो बन सकता है तू। तू उससे शादी कर ले, उससे शादी कर ले तू। ए यूटर्न मार, यूटर्न मार, तुरंत फोन कर और मेरी दीदी को आई लव यू बोल। अरे मेरा मतलब मेरी दीदी की बेटी को आई लव यू बोल। अरे यूटर्न मारना यार, मेरी दीदी की बेटी रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी दीदी भी उसके साथ रो रही थी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्यार के लिए बनाए हुए ताजमहल के सामने ही प्यार को ना करने वाले प्यार के दुश्मन हो तुम। अरे तुम्हें पता है फाइनेंस मिनिस्टर पंकज मेहता के बेटे हर्षद मेहता के साथ मेरी दीदी की बेटी की शादी करवाएंगे और उन दोनों की शादी के मंडप में तुम्हें पंडित बनाकर मंत्र बुलवाएंगे, फेरे पढ़वाएंगे और उनकी शादी भी करवाएंगे। भैया डीजल खत्म हो रहा है। अरे चुप करने, तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। दिल से श्राप देता हूँ, तुम जिंदगी में कलेक्टर कभी नहीं बन पाओगे और ये सच है, मेरी बात रहेगी, समझे दीदी। क्या बात है नालायक लोगों, एक्सीडेंट हुए आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय तुम सब लोग अपने अपने फोन से सेल्फी लेकर मेरा मजाक बना रहे हो। सेल्फी चाहिए? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलना नहीं चाहता है? ए? वो रामसामी IAS पढ़ने के लिए मसूरी जा रहा है, तो तुम उससे टाटा करने के लिए जा रही हो है ना? तुम मेरे रास्ते से हटते हो कि नहीं? अगर दम है तो गाड़ी मुझ पर चढ़ा के जाना होगा। बाप रे, ये लड़की मतलब के लिए किसी का खून भी कर सकती है। क्या क्या लगता है नेपाली स्वर्ग सिधर गया। ए मामा, क्या हुआ? मैं तिरुनेल वैली जा रही हूँ, तुम ही साथ चलो। तुम तिरुनेल वैली जाओ या तिहार जेल जाओ, मैं नहीं आऊँगा। तुम आराम से फ्लाइट में चली जाओगी और ये लोग मुझे जनरल डब्बे में बिना टिकट के भेज देंगे। तुम भी तो रहोगे ना फ्लाइट में मेरे साथ? फ्लाइट में मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, फिर मैं कैसे आऊंगा फ्लाइट में? अरे पागल, तिरुनेल वैली के लिए पासपोर्ट लगता है क्या, पागल हो गए? ये जो तोते की शक्ल का आदमी है ना, इसी ने कहा पासपोर्ट नहीं है तो एयरपोर्ट नहीं जा सकते। श्रवण, व्हाट इज दिस? मैडम actually we are not providing flight tickets for this category of people madam, that's why teri to kisi bhi tarah bhajwa agar tum tie pehen kar ek hi haisiyat se mere jija ji ke sath flight mein jaoge, main uska sala hu, main nahi ja sakta kya? wo basic teri to tote ki shakal ke tujhe mirchi khila khila ke marunga main। are kya ho raha hai? kya jai hind। आते समय तुम दोनों साथ आए तो अब तुम अकेली क्यों खड़ी हो? वो आदमी बिल्कुल भी पागल है मामा, फालतू की बातें करके मुझे यही छोड़कर वो चला गया मामा। पागल है? लेकिन तुमसे मिलते समय तो वो ठीक था। पहले तो वो ठीक था है? लेकिन अब वो तुम्हारी तरह पागल हो गया। तुम भी पागल बोल रही है। वो सब जाने दो, तुम पहले आकर गाड़ी में बैठो। मैं नहीं आऊंगी मामा। मैंने कहा ना चलो। नहीं आऊंगी, बोला ना मैंने। नहीं आएगा, नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है, मैं यहीं पे रुकूंगी। नहीं मामा छोड़ो, गाड़ी में आकर बैठो। अभी तुम गाड़ी में बैठोगी या नहीं? क्या हेलो हेलो, तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? यार करूँ या जबरदस्ती?
बदतमीजी करूँ? तू पूछने वाला कौन है बे? अकेली लड़की के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो, कौन हो तुम? मामा हूँ उसका। तू मुझे मामा कह रहा है? मंत्री के साले को थप्पड़ मारा, उन्हें पुलिस को मारा। एक तो शक्ल से तू भूत वाला दिखता है। हेलो ब्लू क्रॉस, इधर सड़क पर एक पागल आदमी पड़ा हुआ है, आकर के उसे ले जाइए। बड़ा पागल हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे मामा यहाँ थे, आपने उन्हें देखा है? अरे मैं ही तुम्हारा मामा हूँ। ये क्या हुआ मामा, तुम्हें इतना पीट कर कौन चला गया मामा? मुझे खून भी बह रहा है, कुर्ता भी फाड़ दिया। उस गेंडे ने मारा तब भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन दर्द इस बात का है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। चलो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ गाड़ी चलाओ। मैं गाड़ी चलाऊंगी। मामा, 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 माम